Hi everyone, I'm CA Gautam Gambir and today I'm going to share a very important revisionary tip for CA students or rather for any student who wishes to appear for any kind of exam. I call this as the golden book technique. If you want to know about this in detail, stick to the video till the end and you'll have a lot of details. Golden book technique. Well, this is the technique which I have followed in all the exams in my life and i have aced them starting from my school days college exams and ca ca intermediate final all the exams in one shot and this technique has proved its metal there now what is that technique the golden book technique as the name says is preparing a golden book golden book of the subject you are studying now the catch here is that the subject you are studying let's say इनकम सो इनकम टैक्स में आप माइन्यूटेस्ट लेवल तक लेके जाओगे अपनी गोल्डन बुक में बेसिकली दिस इज समरी बुक इज मेड बाय यू यू आर मेकिंग दिस वाइल रिवाइजिंग नॉट वाइल स्टार्टिंग ऑन द फर्स्ट शॉट बट वाइल रिवाइजिंग दैट सब्जेक्ट एंड आप इसको मिनिमम से मिनिमम वर्ड में लिखेंगे लेट से आपने इनकम टैक्स पिक किया उसके अंदर दस चैप्टर हैं और उसका आपका फर्स्ट चैप्टर कैपिटल गेंस है आपने कैपिटल गेंद्स पढ़ना शुरू किया और कैपिटल गेंद्स की आप रिविजन कर रहे हैं अब आप कैपिटल गेंद्स चैप्टर बहुत बड़ा है उसके अंदर मल्टीपल सेक्शंस हैं आपने एक पर्टिकुलर सेक्शन उठाया और उस सेक्शन में आपने पढ़ा मेन बुक से अब आप गोल्डन बुक में साइड बाय साइड उस सेक्शन का जिस्ट लिखेंगे या एक कैच फ्रेज लिखेंगे जिससे वो आपको याद रहे या अपनी लैंग्वेज में वर्ड्स को सर्कल करके या कोई लिंगो जो आपको याद रहे और उसी के साथ एक कोई क्वेश्चन या एग्ज़ाम्पल जो आपको लगता है कि इस एग्जाम्पल को करने से दो तीन सेक्शन रिवाइज़ हो जाएंगे तो आप वो एग्जाम्पल वहाँ मार्क करें उसकी फोटो लगाएं या आप उसको स्लिप पर लिखें या पेज नंबर मार्क करें इससे क्या होगा कि आप पूरे चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में प्लस उनकी छोटी छोटी समरी में डिवाइड कर देंगे तो जब आप एंड में रिवाइज़ करेंगे जब हम बहुत कुछ होता है हमारे पास करने के लिए एक दिन या दो दिन होता है तब आप उस गोल्डन बुक को रेफर करेंगे एंड यू विल बी एबल टू रिवाइज द इंटायर थिंग इन अ ब्रीज अब काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि ये चीज़ तो हम जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर मार्क भी कर सकते हैं ताकि हम उसी बुक को रेफर करें और फिर रिवाइज कर पाए वेल आई टेल यू द दाए ऑफ दिस गोल्डन बुक हम ह्यूमन्स विजुअली थिंग्स ज़्यादा रिमेंबर कर पाते हैं हम ज्यादा देर तक उस चीज को याद रख सकते हैं तो जब आप उसी बुक को फिर से उठाते हो एंड में रिविजन के लिए जिससे आप पढ़े हो तो आपको ऐसा लगता है कि देर इज अ लॉट टू रिवाइज एंड उस टाइम इतना प्रेशर होता है कि आप विजुअली वो सिनेरियो याद करते हो कि जब मैंने इस बुक को पढ़ा था और इसमें इतना कुछ था तो शायद वो आपके लिए वर्क ना करे बट अगर आपके पास एक डिफरेंट बुक हो एक गोल्डन बुक जिसके अंदर सारे सेक्शंस की समरी हो सारे टॉपिक्स की समरी हो आपकी ही लैंग्वेज में आपके ही लिंगो में विद अ फ्यू एग्जाम्पल्स हाउ इजी योर रिविजन कैन बी यह मेहनत आपको रिविजन के टाइम करनी पड़ेगी आई नो दिस इज लाइक क्रिएटिंग योर ओन बुक बट ट्रस्ट मी जब आप रिविजन करने के लिए बैठेंगे तो रिविजन आपकी चुटकियों में हो जाएगी सो हाउ यू कैन डू इट हाउ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आप कोई भी चैप्टर कर रहे हैं लेट्स से आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर रहे हैं तो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आधे पेज में समराइज किया अपने वर्ड्स में और समराइज करने का ये मतलब नहीं है कि आपको किसी को बताना है इंपॉर्टेंट चीजें आपने लिखी जो आपके लिए एग्जाम में काम आ सकती हैं और साथ में एक क्वेश्चन ऐसा लिखा कि आपने वो क्वेश्चन रिविजन के टाइम पर देखा तो आपको पूरा एनडीएस रिवाइज हो जाए या मैक्सिमम दो क्वेश्चन तो इससे आप पूरे चैप्टर को दस या पंद्रह या बीस क्वेश्चन में एक घंटे या दो घंटे के अंदर रिवाइज कर सकते हैं और ऐसे दस चैप्टर्स आपके शायद एक दिन में पूरे रिवाइज हो जाए और एक दिन आप चिल करें आई पर्सनली हैड दिस प्लान एंड इन अ फ्यू एग्जाम्स इन द इन द डेज आई हैड अ लाइक अ बिग बंच ऑफ टाइम विच इज फ्री एंड आई कॉट एग्जामिशन इन फोर सब्जेक्ट्स इन सी आई फाइनल एंड इन थ्री सब्जेक्ट इन सी ए आई पी सी सी सो फॉलो दिस गोल्डन बुक टेक्निक इफ देयर इज सम सम्यूजन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स बट आई हैव मेड क्लियर वॉट दिस गोल्डन बुक इज basically a summary made by you in your lingo and for every minutest detail which you can put in in that summary book that's what it the golden book is you can follow it in any exam of your life and i'm guaranteeing you that this would help you remember the stuff in the exam time i wish you all the best for your exams and i hope that you would follow this technique and would let me know if it helped you or not I'll be back with a lot of videos which will help you in your revision strategy or how to study actually. Till then, stay safe and keep working hard. All the best.